أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم Welcome to all my students for online classes of Al Munir High School e-learning system Now we study about Urdu Class 3 आज हम lesson number अपना lesson करेंगे lesson number 8 सुबह की आमद आज आप लोगों को इसकी reading करवाऊंगी मैं उसके बाद हम इसकी exercise भी करेंगे ठीक है और सारा आपने जो वर्क आपका बुक वर्क है वो बुक पे आएगा और जो कॉपी वर्क है वो ही सिर्फ आपने कॉपी वर्क कॉपी पे करना है जिसकी मतलब स्पेस नहीं होगी बुक के ऊपर ठीक है ये है पेज नंबर 31 पे सुबह की आमद खबर दिन के आने की मैं ला रही हूँ उजाला ज़माने में फैला रही हूँ बाहर अपने मशरक से दिखला रही हूँ पुकारे गले साफ चला रही हूँ उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ अब ये सुबह कह रही है सुबह का मंज़र इसमें बयान किया गया है कि जब सुबह आती है तो कैसा मंज़र होता है सुबह कह रही है कि मैं जब आती हूँ सुबह तो मेरे आने का मकसद ये होता है कि दिन का आगाज़ हो गया है ठीक है मेरे आने से साथ ही उजाला मतलब रोशनी फैल जाती है और मशरिक से बाहर जो है वो भी आना शुरू हो जाती है हर तरफ जो है चहचहाहट शुरू हो जाती है और सुबह मतलब दिन का जो आगाज़ हो जाता है उससे पता चल जाता है कि मैं आ गई हूँ अज़ां पर अज़ां मुर्ग देने लगा है खुशी से हर एक जानवर बोलता है अब इसमें सुबह कह रही है कि जब मैं आती हूँ मेरा मतलब मैं आ जाती हूँ सुबह में तो मेरे आने पर मुर्ग जो है वो अजाने देना शुरू हो जाता है और हर जानवर जो है मेरे आने की खुशी मनाता है और वो इस चीज़ का सुकून उनको होता है कि एक और दिन जो है हमें मिल गया दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है अब दरख्तों के ऊपर क्या है उन्होंने कहा है कि अजीब एक चहचहाहट का समा है मतलब हर चीज़ के बोलने की आवाज़ है दरख्तों पर और सुहाना है वक्त और हवा भी बहुत ठंडी है उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ अब उठ जाओ जो लोग भी अब तक सो रहे हैं वो तमाम उठ जाएं कि मैं आ रही हूँ ये चिड़ियाँ जो पेड़ों पर पे हैं गुल मचाती गुल का आप लिखेंगे शोर पेड़ों कहते हैं दरख्तों को ये चिड़ियाँ जो पेड़ों पर मतलब दरख्तों पर शोर मचाती हैं इधर से उधर उड़ के हैं आती जाती और इधर से उधर उड़ती फिर रही हैं दुमों को हिलाती परों को फैलाती मतलब अपने दुमों को हिलाती हैं और परों को फुलाती हैं और मेरी आमद आमद के हैं गीत गाती मेरे आने पे वो बहुत खुश होती हैं और वो उसी खुशी में गीत गाती हैं उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ लो होशियार हो जाओ और आंख खोलो ना लो करवटें और ना बिस्तर टटोलो खुदा को करो याद और मुंह से बोलो बस अब खैर से उठ के मुंह हाथ धो लो उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ इसमें वो कहती है सुबह कि मेरे आने पर होश में आ जाओ होशियार हो जाओ अपनी आँखों को खोल लो बार बार करवटें ना बदलो और ना बिस्तर को टटोलो टटोलो कहते हैं तलाश करना और ना अपने बिस्तर को तलाश करो मतलब कि बार बार बिस्तर में मत जाओ खुदा को याद करो सुबह उठते साथ ही उस रब का शुक्र अदा करो जिसने हमें एक और दिन दिया है और मुंह से उसका शुक्र अदा करो मुंह से बोलो बस अब खैर से उठ के मुंह हाथ धो लो उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ ये नज़म मोहम्मद इस्माइल मेरठी की लिखी हुई है और इसमें उन्होंने सुबह की मंज़र सुबह की आमद का जो सारा मंज़र होता है सुबह के आने से क्या क्या हम फील करते हैं उस तमाम का इसमें बताया है अब सफ़ा नंबर 32 मतलब पेज नंबर 32 पे आपकी एक्सरसाइज है मुख्तसर जवाब दें सबसे पहला होगा सुबह के आने का मंज़र नज़म में किस तरह बयान किया गया है ये हमारा सवाल नंबर 1 है इसको जवाब में लिखिए इसके जवाब में आप लिखेंगे सुबह के वक्त हर तरफ उजाला हो जाता है ठंडी ठंडी हवा चलती है मुर्ग अजान देते हैं और दरख्तों पर परिंदे चहचहाते हैं ठीक है ये पहले का जवाब है दूसरा देखिए सुबह हमारे लिए क्या पैगाम लेकर आती है ये सवाल नंबर 2 है इसका हम जवाब लिखेंगे सुबह हमारे लिए
नए दिन का पैगाम लेकर आती है। ठीक है, अब सवाल नंबर 3 कीजिए, इस नज़म को किसने लिखा है? आप इसके जवाब में लिखेंगे, इस नज़म को मोहम्मद इस्माइल मिरठी ने लिखा है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 4 है, सुबह के वक्त मुर्ग क्या करता है? इसका आप जवाब तहरीर करेंगे, सुबह के वक्त मुर्ग अजान देता है। उसके बाद इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, बहार किधर से आ रही है? इसमें आप लिखेंगे, बहार मशरिक से आ रही है। अब इसके सवाल जवाब कंप्लीट हो गए हैं। अब अगला सवाल है, सवाल नंबर 2 पे, इस नज़म को ज़ुबानी याद करें और मिलकर तरन्नुम से पढ़ें। ये तो अब आप खुद ज़ुबानी याद कीजिएगा। सवाल नंबर 3 पे है, खाली जगह पुर करें। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे, पहले सबसे पहली हम देखते हैं लाइन, अज़ां पर डैश मुर्ग देने लगा है। इसमें आएगा अज़ां, अज़ान पर अज़ां मुर्ग देने लगा है। सेकंड का देखें, खुशी से हर एक डैश बोलता है, खुशी से हर एक जानवर बोलता है। थर्ड पे आप देखें, दरख्तों के ऊपर डैश चहचहा है, दरख्तों के ऊपर आप लिखेंगे इसमें, अजब चहचहा है। फिर फोर्थ आप देखें, सुहाना है वक्त और डैश हवा है, डैश में आप लिखेंगे ठंडी, सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है। फिर सेकंड लास्ट में आप करेंगे, खुदा को करो याद और मुंह से बोलो। ठीक है, लास्ट में देखें, बस अब खैर से डैश के मुंह हाथ धो लो, बस अब खैर से उठो के मुंह हाथ धो लो। ओके स्टूडेंट्स, आगे हैं आपके पास सवाल नंबर 5, मुश्किल अल्फाज के मानी और जुमले बनाएं। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 33 पे। सबसे पहला लफ्ज़ है उजाला, उजाला का मीनिंग है, इसका उजाला का मानी लिखेंगे आप रोशनी, और उसका जुमला बनाएंगे, सुबह के वक्त हर तरफ उजाला हो जाता है। दूसरा देखिए, चिल्ला रही है, चला रही है का मतलब चीख रही है, इसका आपने जुमला तहरीर करना है, आसमा बहुत ज़ोर से चिल्ला रही है। ओके, थर्ड पे देखिए, सुहाना, सुहाना में है मानी हर किसी को पसंद। ठीक है, इसका जुमला राइट करेंगे आप, बहार में मौसम सुहाना होता है। फोर्थ पे देखें, शोर गुल मचाना, गुल मचाना इसका मीनिंग है शोर मचाना, शोर मचाना इसका आप जुमला लिखेंगे, चिड़ियाँ पेड़ों पर गुल मचाती हैं। सेकंड लास्ट है टटोलो, टटोलो का मानी है ढूंढो, इसका जुमला देखें, माँ ने बच्चे से कहा कि बिस्तर ना टटोलो, उठ जाओ। और लास्ट है हमारे पास 6th, अजब, अजब का आप मानी लिखेंगे निराली, और इसका जुमला है, बहार में दरख्तों पर अजब चहचहाहट थी। ठीक है, अब सवाल नंबर 6 है, अल्फाज के उल्ट लिखें। सबसे पहला हमारे पास लफ्ज़ है जाओ, जाओ का उलट होगा आओ। सेकंड है हमारे पास उठो, उठो का हम उलट अल्फाज लिखेंगे सो। थर्ड है हमारे पास सोना, उसका हम लिखेंगे जागना। फोर्थ हमारे पास आ जाएगा साफ, साफ का हम उलट लिखेंगे गंदा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा फिफ्थ, वो है लाना, उसका उलट अल्फाज हम लिखेंगे ले जाना। और लास्ट है हमारे पास बोलना, और उसका मीनिंग हम लिखेंगे चुप रहना। ठीक है, अब आगे हमारे पास है सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 है, 5 ऐसे अल्फाज बनाएं जिसके दरमियान में वाव हो, मसलन पेड़ों। सबसे पहला आप लिखेंगे दरख्तों, इसमें देखें वाव है। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे सोने। तीसरे नंबर पे आप लिखें दुमो। फोर्थ पे आप लिखेंगे टटोलो।
फिफ्थ पे आप लिखेंगे धुआं और सिक्स्थ पे आप लिखेंगे कुआं। सवाल नंबर 8 है हमारे पास, कॉलम अलिफ और कॉलम बे को मिलाएं। सबसे पहले हमारे पास जो एक शेर की लाइन है वो है, खुदा को करो याद और मुंह से बोलो। इसके साथ हमने कॉलम बे की सबसे आखिर में लिखी हुई लाइन, बस अब खैर से उठ के मुंह हाथ धो लो, इसको मिला देना है। दूसरा है हमारे पास, लो होशियार हो जाओ और आंख खोलो। इसको हम मिलाएंगे कॉलम नंबर बे की सेकंड लास्ट लाइन से, ना लो करवटें और ना बिस्तर टटोलो। अब हमारे पास आ गया तीसरा, अजाम पर अजाम मुर्ग देने लगा है। इसका हम लिखेंगे कॉलम बे के तीसरे के साथ ही हमने इसको मिलाना है, खुशी से हर एक जानवर बोलता है। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 पे है, बहार अपने मशरिक से दिखला रही है। ठीक है, इसमें आपने कॉलम बे के सेकंड के साथ इसको ज्वाइन करेंगे, मिला देंगे, पुकारे गले साफ चिल्ला रही है। फिर इसका लास्ट है कॉलम अलिफ का, ये चिड़ियां जो पेड़ों पे हैं गुल मचाती। इसको आप कॉलम बे के पहले वाले के साथ मिला देंगे, इधर से उधर उड़ के हैं आती जाती। ठीक है, अब सवाल नंबर 9 है, सफ़ा नंबर 34 पे, पेज नंबर 34, सवाल नंबर 9। इसमें आप देखें, काम करने वाले को फाइल कहते हैं, मसलन चिड़ियां चहचहा रही हैं, मज़ीद फाइल बनाएं। ठीक है, इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे, अली सो रहा है। दूसरी लाइन पे आप लिखेंगे, हम खेल रहे हैं। तीसरा आप बनाएंगे, मुर्ग अजान दे रहा है। फोर्थ पे आप करेंगे, जानवर बोलता है। और फिफ्थ पे आप राइट करेंगे, चिड़ियां गुल मचाती हैं। अब सवाल नंबर 10 है हमारे पास, इस सबक से 5 फेल तलाश करें और लिखें। इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे गुल मचाती, सेकंड पे आप लिखेंगे आती जाती, थर्ड पे आप लिखेंगे गीत गाती। अब ये सब काम है, ठीक है ना, परों को फैलाती, और लास्ट पे आप लिख देंगे दुमों को हिलाती। ये सब काम हो रहे हैं, इन सब को हम फेल कहेंगे, ये सब हमारे पास फेल हैं। ठीक है, अब है हमारे पास सवाल नंबर 11, दुरुस्त जवाब पर टिक और गलत पर क्रॉस का निशान लगाएं। सबसे पहले है, बकरी अजान देने लगी है, इसको आप क्रॉस कर देंगे। सेकंड पे है, चिड़ियां पेड़ों पर चहचहा रही हैं, इसको आप टिक करेंगे। थर्ड पे है, बहार मशरिक से आ रही है, ये भी आपका टिक हो जाएगा, ठीक है ये बिल्कुल। और फोर्थ है, सुबह का पैगाम ले के तुम सो जाओ, ये गलत है, इसको क्रॉस कर देंगे आप। अब सवाल नंबर 12 है हमारे पास, इसमें है अल्फाज मानी। सबसे पहले आप लिखेंगे चहचहाना, इसका मीनिंग है चिड़ियों का बोलना। दूसरा है गुल, गुल कहेंगे शोर को। अब हमारे पास तीसरा है होशियार, होशियार होगा होश में आना। और फोर्थ पे आप देखें हमारे पास है टटोलो, टटोलो होगा तलाश करो। ओके स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को रीडिंग करवा दी है मैंने लेसन नंबर 8 की, और हमारे पास इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है, इसकी रीडिंग भी कंप्लीट हो गई है। आपने इसके सवाल जवाब और अल्फाज मानी जो हैं वो अपनी कॉपीज़ पे करने हैं, और बाकी सारा वर्क, क्योंकि पेज इसके स्पेस है पेजेस पे, जो आप लोगों के इसमें क्वेश्चंस हैं उसमें पेजेस पे स्पेस है, खाली जगह पर भी, और अल्फाज उल्ट वगैरह भी, ये सब आपने बुक पे ही करना है, ये सब आपका बुक वर्क है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।